हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको रिलेशन डिराइव करना सिखाऊंगा अल्फा, बीटा और गामा में इन थर्मल एक्सपेंशन। अब आशा करता हूं कि आपको अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। और मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। तो अल्फा होता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा होता है कोफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और गामा होता है कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब सपोज कि हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड मान लीजिए थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है। अब अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो ये जो रॉड है उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हिसाब से इंक्रीज होगी, ओके। तो वो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, वो उनके कोफिशियंट से पता पड़ती है, जो कि लेंथ के लिए किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। सिमिलरली एरिया, ये इनिशियल एरिया था और कुछ टाइम बाद जब हमने इसको हीट करा तो इसका जो एरिया है वो एक्सपांड हो गया, ठीक है। तो एरिया के लिए जो कोफिशियंट है वो है बीटा और जो वॉल्यूम के लिए जो कोफिशियंट है वो है गामा। अब रिलेशन डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन यूज करेंगे। सो ये एक इनिशियली जो रॉड है, एक जिसकी बस लेंथ है, उसकी जो लेंथ है इनिशियली वो मान ली एल नॉट के बराबर, और एक एरिया है जिसका एरिया ए नॉट के बराबर है, और ये जो स्क्वायर हमने कंसिडर करा है इसकी जो लेंथ है ना, वो मतलब विड्थ और हाइट वो भी एल नॉट के बराबर है, ठीक है। इसी के साथ में क्यूब भी हमने कंसिडर करा, इसका इनिशियल जो वॉल्यूम है वो है वी नॉट, और इसकी भी जो लेंथ है, ब्रेथ और हाइट, वो हमने एल नॉट ली है। तो इनिशियल लेंथ एल नॉट, इनिशियल एरिया ए नॉट, और इसकी जो वैल्यू है वो एल नॉट स्क्वायर के बराबर होगी, और इनिशियल जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा एल नॉट क्यूब के बराबर, ठीक है। अब लेंथ में जो इंक्रीज होता है वो मतलब कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होने के बाद में, इन तीनों में ही जो अब पहले हम लेंथ का देखें तो ये एल जो है वो फाइनल लेंथ है, फाइनल लेंथ जो होगी उस रॉड की वो हो जाएगी एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज के बाद जो फाइनल एरिया होगा ए, वो हो जाएगा ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो हो जाएगा वी इक्वल्स टू वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी। अब सबसे पहले हम अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालेंगे। सो ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। सो ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी। अब ए जो है वो फाइनल एरिया है और वो बराबर होगा फाइनल लेंथ के स्क्वायर के, ठीक है ना, और फाइनल लेंथ ये इस तरह से इंक्रीज होगी। सो हम यहां पर ए की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली लेंथ के टर्म्स में। सो यहां पर आएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा। L की वैल्यू लेंथ में जो इंक्रीज होगा वो मैं यहां पर मैंने ऊपर लिख रखा है, वो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, और ए नॉट की वैल्यू यहां पर एल नॉट स्क्वायर, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है। सो यहां पर हो जाएगा एल नॉट, हम स्क्वायर भी कर ले साथ में, एल नॉट स्क्वायर इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, और यहां पर भी स्क्वायर आएगा। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि एल नॉट स्क्वायर से एल नॉट स्क्वायर कैंसल, और यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगाएं तो हमें मिलेगा वन स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू वन प्लस बीटा डेल्टा टी। अब वन से वन हो जाएगा कैंसल, और नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू बीटा डेल्टा टी। अब यहां पर ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ये जो है वो
स्मॉल होगी किसके कंपैरिजन में, इस वाली वैल्यू के कंपैरिजन में, ट्वाइस अल्फा डेल्टा टी के कंपैरिजन में, जो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर है ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे नेग्लेक्ट करने के बाद ट्वाइस अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू बीटा डेल्टा टी, और यहां पर डेल्टा टी से डेल्टा टी हो जाएगा कैंसल, और हमें मिलेगा ट्वाइस अल्फा इक्वल्स टू बीटा, या अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय टू। ठीक है, ये अभी हमें अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन मिल गया है, तो उसे मैं साइड में लिख देता हूं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय टू। ओके, अब हम अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकालेंगे, तो ये मैं अब रब कर रहा हूं क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट ये था एल नॉट क्यूब के बराबर, और ये जो सेकेंड वाली थर्ड वाली जो इक्वेशन है इसका यूज करेंगे, वी इक्वल्स टू वी नॉट इन टू वन प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पर हमने क्यूब कंसिडर करा है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वी वो बराबर होना चाहिए एल क्यूब के, ये हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, सो एल क्यूब इक्वल्स टू वी नॉट, वी नॉट की जो वैल्यू है वो है एल नॉट क्यूब के बराबर, और यहां पर आएगा वन प्लस गामा डेल्टा टी। एल की जो वैल्यू है वो हम यहां पर इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, सो हमें मिलेगा एल नॉट क्यूब इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी इसका क्यूब इक्वल्स टू एल नॉट क्यूब इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी। एल नॉट क्यूब से एल नॉट क्यूब हो जाएगा कैंसल, और यहां पर हम ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाए तो हमें मिलेगा वन प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, तो ए है वन, ए वन स्क्वायर, थ्री इंटू वन स्क्वायर इंटू अल्फा डेल्टा टी प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस गामा डेल्टा टी। अब यहां पर वन से वन हो गया कैंसिल, और हमें मिलेगा अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। अब यहां पर ये जो दो टर्म है इन्हें हमें क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। निग्लेक्ट क्यों करना है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आएगी वो 3 अल्फा डेल्टा टी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी होगी। ओके, सो 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी, और यहां पर भी डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी गामा बाय 3 के बराबर। सो अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2, और ये बराबर आएगा गामा बाय 3 के। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया है अल्फा बीटा और गामा के बीच में, और इससे हम एक कोफिशिएंट को दूसरे कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।